पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। हाल ही में बरसाने वाले विवाद का भले ही पटाक्षेप हो गया, पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी नाक रगड़कर बरसाने में माफी मांगी, लेकिन एक दूसरी तरफ उन्होंने माफी मांगी और दूसरी तरफ उनके बयान को लेकर नया ही विवाद छिड़ गया। दिलचस्प तो यह है कि मामला किसी अन्य राज्य से नहीं सामने आया, बल्कि जिस राज्य यानी कि मध्य प्रदेश से प्रदीप मिश्रा आते हैं उसी राज्य में उनका न केवल विरोध शुरू हो गया, बल्कि वहां से भी ये मांग उठने लगी कि पंडित प्रदीप मिश्रा को बरसाने की ही तरह यहां पर भी आकर माफी मांगनी होगी। यह मामला बैतूल से सामने आया, जहां की जीवनदायिनी कहलाती है ताप्ती नदी, और इसी ताप्ती नदी को लेकर की गई टिप्पणी पर अब संत महात्मा नाराज हो चुके हैं। दरअसल प्रदीप मिश्रा के मां ताप्ती पर कहे गए तथ्यों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और उनका विरोध भी तेज हो रहा है। ताप्ती उद्गम स्थल मुलताई के पुजारी और संत समुदाय ने पंडित प्रदीप मिश्रा के बताए गए सभी तथ्यों को भ्रामक बताया और उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संत समुदाय ने यह मांग भी रख डाली कि पंडित प्रदीप मिश्रा मुलताई आएं और मां ताप्ती से माफी मांगे। बताएं कि मामला लगभग 2 साल पुराना है, जब पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा करने के लिए बैतूल गए हुए थे। उन्होंने यहां पर ताप्ती नदी को लेकर ऐसी टिप्पणी की कि साधु संतों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध करते हुए ये कहा जा रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने 2 साल पहले बैतूल में हुई कथा में ताप्ती नदी को एक लेकर कथा बताई, जिसमें आरोप है कि उन्होंने कहा कि यमुना का दूसरा नाम भद्रा था, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, लेकिन एक बार श्री कृष्ण पर ताप्ती मोहित हो गई और मोहित होते हुए उन्होंने श्री कृष्ण का पसीना पोंछ दिया। इस पूरे घटनाक्रम से यमुना न केवल नाराज हो गई बल्कि ताप्ती को यह श्राप दिया कि तुम्हारे जल में जो भी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी तुम कुछ ही देर में उसका भक्षण कर लोगी। बस पंडित प्रदीप मिश्रा की इसी बात को लेकर बैतूल के साधु संत नाराज हो चले हैं। खास तौर पर श्री कृष्ण पर ताप्ती के मोहित होने वाली बात को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है और ये भी कहा है कि जिस कथा को पंडित प्रदीप मिश्रा बता रहे हैं उसका उल्लेख किसी पुराण में नहीं मिलता। उनका यह भी कहना है कि यमुना दरअसल ताप्ती की ही बहन है, छोटी बहन है, और स्कंद और ताप्ती पुराण में भी इस कथा का जिक्र नहीं है। हालांकि पुराणों में ये जरूर उल्लेखित है कि जिस किसी भी मृत व्यक्ति की अस्थियां ताप्ती नदी में प्रवाहित की जाएंगी या विसर्जित की जाएंगी वे 40 दिनों में गल जाएंगी और उस मृत व्यक्ति को यहां पूर्ण मोक्ष मिलेगा। लेकिन अब बयान से गुस्से में आए नाराज लोगों ने मां ताप्ती पर कहे गए तथ्यों को लेकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से माफी की मांग शुरू कर दी है। प्रशासन और पुलिस को दिए गए ज्ञापन में ताप्ती भक्तों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है और पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलताई आकर ताप्ती मंदिर में क्षमा याचना करने के लिए भी कहा है। तो ताप्ती के जल में अस्थियां जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या करना है? हमारी यही हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप एक बहुत बड़े व्यास मंच पर है, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है और आपने जो ताप्ती मैया को लेकर के बयान दिया है उसको आप पूर्णतः असत्य बयान को वापस ले और माँ ताप्ती से क्षमा याचना करें और अपना एक वीडियो जारी करके या ताप्ती तट पर आकर के माँ ताप्ती से क्षमा याचना करें। देखिए ताप्ती का जो महत्व है, ताप्ती आदि गंगा है और इसको 21 कल्प हो चुके हैं और पुराणों में ताप्ती आदि गंगा कही गई है, गंगा के पहले की नदी है। और प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं कि पाप का भक्षण कर लेती है, गंगा से जो नहा के आवे दर्शन करने नर्मदा जावे उतना पुण्य ही तेरे स्मरण में, जिसके स्मरण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वर्णन अनेक जगह आया है। जो कृष्ण के प्रति प्रेम भावना की जो बात कही है ये भी किसी पुराण में हमारे वाचन में नहीं आई है। अगर प्रदीप मिश्रा जी के वाचन में आए हो तो हमको बताएं कि आपने कहाँ पढ़ा है। वितर्क और दूसरी बातें करने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। और जो यमुना जी से उन्होंने कहा विवाद हो गया था, उन्होंने श्राप दे दिया था यमुना जी, यमुना तो वैसे भी छोटी बहन है और छोटे बच्चों में विवाद हो भी गया तो वो तो एक अटकेली हो सकती, लेकिन कृष्ण जी को लेकर, लेकिन कृष्ण जी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। कृष्ण ने स्वयं
शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, ब्रह्मा जी ने स्वयं लिंग स्थापित किया हुआ है, राम जी के पिता दशरथ का श्राद्ध यहाँ पर हुआ है। फिर कहाँ से लाए मिश्रा जी? ये मिश्रा जी नए नए शगुफे जो खोज करके लाते हैं, अनेक विवादों में फंसे रहते हैं, वही बता सकते हैं कि ये शगुफा उन्होंने कहाँ से। संत समाज और ताप्ती भक्तों ने पुलिस प्रशासन को पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एक ज्ञापन भी दिया है, जिसे लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। मुलताई थाने के SI का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, वो जरा आप भी सुन लीजिए। ये ताप्ती मंदिर पुजारी जी द्वारा जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ में एक ज्ञापन दिया गया है, इसके संबंध में जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या लिखा है ज्ञापन में, क्या कहना? ताप्ती जी के संबंध में कुछ बातें कही गई थी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ये कहाँ फॉरवर्ड किया जाएगा? इसको जांच किया जाएगा, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश अनुसार उसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो कैसे ये मामला बढ़ा और कब कब क्या क्या हुआ, इससे बता रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता ऋषु नायडू। आइए उन्हीं से जानते हैं इस पूरे मामले को। प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पिछले दिनों राधा रानी पर दिए अपने बयान को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे और उन्होंने बरसाने जाकर माफ़ी भी मांगी, लेकिन अब एक 2 साल पुराने वीडियो को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा फिर चर्चा में हैं। ये वीडियो ताप्ती नदी को लेकर है। दरअसल 2 साल पहले पंडित प्रदीप मिश्रा बैतूल आए थे, जहाँ महाशिव पुराण का कथावाचन उन्होंने किया था। इस कथावाचन के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने ताप्ती नदी को लेकर कुछ तथ्य रखे थे, जिनमें उन्होंने ये कहा था कि श्री कृष्ण पर ताप्ती नदी मोहित हो गई थी और उनके इस सम्मोहन की वजह से ताप्ती की सगी बहन यमुना ने उन्हें श्राप दे दिया था। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ताप्ती नदी में जो भी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी, यमुना के श्राप के द्वारा उन अस्थियों का भक्षण ताप्ती नदी कर लेंगी। इन तथ्यों को लेकर बैतूल में काफ़ी विरोध हो रहा है, क्योंकि बैतूल की मुलताई तहसील से ही ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी के प्रति यहां लोगों की अघा श्रद्धा है और बैतूल की लाइफलाइन मानी जाती है ताप्ती नदी। संत समाज का ये कहना है कि जो कुछ पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने वक्तव्य में कहा था कथावाचन के दौरान, ऐसे कोई भी तथ्य किसी भी पुराण में, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, क्योंकि ताप्ती जी के विषय में ताप्ती पुराण और स्कंद पुराण में जो तथ्य लिखे हुए हैं, काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है, उसमें कहीं पे भी इस तरह की कोई बात नहीं है कि वो श्री कृष्ण पर मोहित हुई थी या उन्हें यमुना ने ऐसा कोई श्राप दिया था कि अस्थियों का भक्षण ताप्ती नदी करेंगी। मुलताई तहसील में जो ताप्ती भक्त हैं और जो ताप्ती मंदिर के पुजारी और अन्य संत समाज है, उन्होंने पुलिस को एक आवेदन भी दिया है, जिसमें उनके पंडित प्रदीप मिश्रा के कथावाचन का जो वीडियो है उसकी जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही संत समाज का ये कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने जो तर्क दिए हैं वो वास्तव में वितर्क हैं, ऐसा कुछ भी किसी पुराण में या शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने ताप्ती भक्तों की भावनाओं को आहत किया है और वो मांग कर रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने जिस तरह से बरसाने जाकर के नाक रगड़ के वहाँ पर माफ़ी मांगी है बरसाने के लोगों से, उसी तरह वे ताप्ती भी आएँ, यहाँ पर ताप्ती जो उद्गम स्थल है वहाँ पर स्नान करें और ताप्ती मंदिर में आकर वो माफ़ी मांगे, क्षमा याचना करें। अब देखना ये होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन इस पूरे विषय में एक बात और सामने आ रही है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के इन दिनों जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें कथावाचन के तुरंत बाद उनका विरोध हुआ हो। राधा रानी को दिया गया जो उनका वक्तव्य था वो भी एक पुराने वीडियो से निकाला गया था। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास पर उन्होंने जो कुछ कहा वो भी एक पुराने वीडियो का ही पार्ट था, और अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा का वो भी 2 साल पुराना है, जिसमें उन्होंने ताप्ती को लेकर के कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनका विरोध हो रहा है, वे वीडियो 1 या 2 साल पुराने हैं। वैसे बरसाने के बयान के थमने के बाद अब ताप्ती पर विवाद शुरू हो चुका है और इससे लग रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बरसाने में महापंचायत का आयोजन साधु संतों ने कर दिया था और ये कहा था कि जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर दिए अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते और जब तक वे बरसाने में आकर नाक नहीं रगड़ते, तब तक उन्हें वहां से किसी भी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल राधा रानी के मायके को लेकर दिए गए पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर साधु संत नाराज हुए थे,
जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह कहा था कि राधा रानी रावल गांव की रहने वाली थी और बरसाने में तो उनके पिता की कचहरी होने के कारण वो साल भर में एक बार यहां पर आती थी और इसीलिए इस स्थान का नाम बरसाना पड़ गया। हालांकि बाद में उन्होंने बरसाने में नाक रगड़ कर माफी भी मांगी। वहीं उनकी इस माफी से पहले उनका एक और बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने तुलसीदास जी को लेकर कथित रूप से गंवार शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी। लेकिन ये मामले ठंडे पड़ते उससे पहले ही ताप्ती नदी को लेकर 2 साल पहले कथा में कही गई उनकी बात पर हंगामा एक बार फिर से शुरू हो गया। दरअसल ये मामला इसीलिए भी और गर्मा रहा है क्योंकि आने वाली 11 जुलाई से 13 जुलाई तक मुलताई, जहां पर ताप्ती का उद्गम है, वहां ताप्ती जन्मोत्सव का आयोजन होना और यहां इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाना है। ऐसे में इसके पहले पंडित प्रदीप मिश्रा के वायरल वीडियो से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन आपको बताएं कि अब तक पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखना यह है कि क्या बरसाने की ही तरह पंडित प्रदीप मिश्रा क्या यहां पर भी नाक रगड़कर माफी मांग लेंगे या फिर ये मामला समय के साथ ही शांत हो जाएगा।